इनोला होम्स 1। कहानी की शुरुआत में हमें इनोला नाम की एक टीनेज लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बारे में बताती है कि बचपन में मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, साथ ही वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। हालांकि इनोला के डैड उसके बचपन में ही गुजर गए थे, फिर बड़े होने के बाद उसके दोनों बड़े भाई भी घर छोड़कर चले गए, जिससे इनोला अपनी माँ के साथ घर पर अकेली बची और वो दोनों साथ में बहुत खुश भी थे। इस दौरान इनोला की मॉम ने इनोला को बहुत सी अलग अलग चीजें सिखाई, जैसे कि किताबें पढ़ना, एक्सपेरिमेंट करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान को कुछ भी करने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन कई ऐसी बातें भी थीं जो इनोला की माँ उससे छुपाती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि सबको अपनी अपनी प्राइवेसी मिलनी चाहिए। अगले दिन इनोला अपने 16वें जन्मदिन पर सोकर उठी और उसे अपनी मॉम कहीं भी दिखाई नहीं दी। हालांकि वो अपनी मेड मिसेस लेन के पास इनोला को देने के लिए कुछ तोहफे छोड़ गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक थे। फिर प्रेजेंट में इनोला अपने दोनों भाई माइक्रोफ्ट और शेरलॉक होम्स को लेने के लिए स्टेशन पहुंचती है। यहाँ पर हमें पता चलता कि शेरलॉक एक बहुत ही जीनियस डिटेक्टिव है और ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकता और उसके पास हमेशा सारे सवालों के जवाब होते हैं। इस दौरान इनोला को देखकर शेरलॉक तो काफी खुश होता है, लेकिन उसका भाई माइक्रोफ्ट इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि इनोला बाकी लड़कियों की तरह नहीं रह रही है। फिर घर पहुंचने पर शेरलॉक आसपास की चीजों को देखकर समझ जाता है कि उनकी मॉम को अगवा नहीं किया गया है बल्कि वो जानबूझकर घर छोड़कर गई हैं। इस चीज से इनोला काफी दुखी होती है, लेकिन उसका भाई माइक्रोफ्ट इस चीज से काफी परेशान था कि इनोला बाकी लड़कियों की तरह नहीं रहती है, इसीलिए वो उसे ये सारी चीज सिखाने के लिए अपनी एक पुरानी दोस्त मिस हैरिसन को बुलाता है जो उसे अपने साथ अपने स्कूल ले जाना चाहती थी, लेकिन इनोला वहां जाने से मना कर देती है। इसीलिए मिस हैरिसन उसे एक जोरदार चांटा मारती है जिससे इनोला अपने भाइयों के पास पहुंचती है और कहती है कि मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ तो तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं उसका बिल्कुल ठीक जवाब दूंगी। लेकिन माइक्रोफ्ट उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए इनोला शेरलॉक से भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि माँ ने माइक्रोफ्ट को तुम्हारा गार्डियन बनाया है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन शेरलॉक इनोला को समझाता है कि हमारी माँ जो भी करती हैं वो सोच समझ कर करती हैं, इसीलिए मैं इस बारे में जरूर पता लगाऊंगा कि वो घर छोड़कर क्यों गई। फिर रात में इनोला अपनी माँ के दिए हुए गिफ्ट को दोबारा चेक करती है और वहां पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें मौजूद सारे वर्ड्स को ठीक करने पर उसे हिंट मिलता है कि उसकी मॉम फूल की पेंटिंग्स को चेक करने के लिए कह रही हैं, इसीलिए वो पेंटिंग्स को चेक करती है और उसे एक पेंटिंग के अंदर पैसों के साथ में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, जिससे इनोला समझ जाती है कि उसकी मॉम चाहती है कि वो खुद अपना भविष्य चुने कि वो क्या करना चाहती है। इसीलिए इनोला शेरलॉक के कपड़े चुराकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर ट्रेन में उसे एक लड़का मिलता है जो कि एक राजकुमार होता है और वो एक वाइस काउंट था। अब दोस्तों वाइस काउंट एक रैंक होती है जो ब्रिटेन इंग्लैंड की सरकार द्वारा लोगों को दिया जाता है। खैर राजकुमार अपनी फैमिली से बचकर भाग रहा होता है। अब इनोला उसे बताती है कि लिंथर्न नाम का एक आदमी तुम्हें अभी भी ट्रेन में ढूंढ रहा है। इस बात से इनोला को डर था कि उसे छुपाने के लिए उसे भी ना पकड़ लिया जाए, इसीलिए वो राजकुमार को छोड़कर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि लिंथर्न राजकुमार की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए ना चाहते हुए भी इनोला जब दोबारा जाकर चेक करती है तो देखती है कि लिंथर्न राजकुमार को ट्रेन से बाहर गिराने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर इनोला लिंथर्न के सर पर एक छड़ी सी अटैक कर देती है और राजकुमार को लेकर ट्रेन से बाहर कूद जाती है जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। हालांकि अब उन दोनों को जंगल में ही रात गुजारनी पड़ती है। फिर लंदन पहुंचने के बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और क्योंकि इनोला को लग रहा था कि उसकी मॉम लंदन में ही कहीं छुपी हुई है, इसीलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करती है। दूसरी तरफ माइक्रोफ्ट को इनोला की कोई भी खबर नहीं मिलती, इसीलिए वो शेरलॉक को भी इस बारे में बताता है। अब शेरलॉक खुद उसे ढूंढने का फैसला करता है। हालांकि माइक्रोफ्ट नहीं चाहता था कि शेरलॉक ऐसा करे, लेकिन अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। इधर इनोला लड़कियों के कपड़े पहनकर अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लेती है और एक कमरा भी किराए पर ले लेती है। फिर वहां पर वो उन सभी अखबारों में अपनी मॉम के लिए एक सीक्रेट मैसेज डालती है जिससे उसे पता चल सके कि उसकी मॉम क्या चाहती हैं। फिर उसे याद आता है कि उसकी मॉम एक एड्रेस पर हमेशा लेटर भेजती थी, इसीलिए वो उस एड्रेस पर पहुंचती है और देखती है कि वहां पर लेडीज को एडिथ नाम की एक टीचर जुजुत्सु सिखा रही है। इनोला एडिथ को पहचान नहीं पाती, लेकिन वो इनोला को अच्छे से जानती थी। फिर इनोला उसे बताती है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ। इस पर एडिथ उसे समझाती है कि वो कुछ जरूरी काम कर रही हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे सामने आएंगी। फिर इनोला को याद आता है कि एक दिन उसकी मॉम बाकी औरतों से मीटिंग के दौरान एली हाउस के बारे में बात कर रही थी, इसीलिए वो एडिथ से इस बारे में पूछती है क्योंकि शायद एडिथ भी उस मीटिंग में उसकी मॉम के साथ थी। लेकिन एडिथ उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें लंदन में रहना है तो टफ बनना होगा। लेकिन यहाँ पर किसी को ढूंढ
ढूंढना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। फिर इनोला वहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स देखती है जिसमें एक्सप्लोजन रखे होते हैं, इसीलिए वो दोबारा से सारी चीजें याद करती है और उसे ये कन्फर्म हो जाता है कि उसकी मॉम सीक्रेट वर्ड यूज कर रही थी और उस जगह का नाम एली हाउस नहीं बल्कि लेम हाउस लेन है। फिर इनोला पता लगाते हुए उस घर में पहुंचती है और उसे वहां पर बहुत सारे गन पाउडर के साथ साथ हथियार और एक्सप्लोजन भी मिलते हैं, जिससे इनोला ये तो समझ जाती है कि उसकी मॉम कुछ बड़ा करने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद इनोला वहां से जारी होती है और उस पर लिनथर्न आकर अचानक से अटैक कर देता है और वो अभी राजकुमार को ढूंढ रहा था। इस दौरान वो इनोला से राजकुमार के बारे में पूछता है, हालांकि वो उसे समझाती है कि मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन इनोला ने उसका चेहरा देख लिया था इसीलिए लिनथर्न उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इनोला उसे धोखा देकर वहां से भागने की कोशिश करती है जिससे उन दोनों में झड़प होने लगती है और लड़ते हुए वापस से उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर एक्सप्लोजन रखे हुए थे। अब किसी तरह इनोला उन्हें ब्लास्ट करके वहां से भाग जाती है। इन सब चीजों से इनोला समझ जाती है कि उसका राजकुमार को बचाना अपनी मॉम को ढूंढने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो मुसीबत में है और लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो एक विधवा बनकर राजकुमार के घर में पहुंचती है। लेकिन अंदर पहुंचने पर राजकुमार की फैमिली को उसके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो लोग उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। फिर बाहर आने के बाद इनोला बगीचे में काम कर रहे एक लड़के से राजकुमार के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि राजकुमार ज्यादातर अपना समय पास ही के जंगल में बिताया करता था। दूसरी तरफ चिमनी के अंदर रखे हुए लैटर की हेल्प से शेरलॉक एडिथ तक पहुंच जाता है और वहां पर अपनी माँ के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ औरतों को अधिकार दिलाने के लिए किसी तरह की क्रांति कर रही है, इसी वजह से वो गायब हुई हैं। इसके बाद हम इनोला को देखते हैं जो जंगल में पहुंचती है और उसे एक ट्री हाउस मिलता है। वहां पर मौजूद चीजों को देखकर वो राजकुमार के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहां पर राजकुमार की दादी आ जाती है जो उससे कहती है कि अगर तुम मेरे पोते को ढूंढ लो तो उससे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। इसके बाद वो इनोला को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजकुमार की माँ इनोला को गिरफ्तार न करवा दे। इसके बाद इनोला फ्लावर मार्केट में पहुंचती है और वहां पर उसे राजकुमार मिल जाता है। हालांकि पहले तो राजकुमार उसे देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इनोला राजकुमार पर रखे हुए इनाम के लिए उसे पकड़ने आई है, लेकिन इनोला उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। इसके बाद इनोला उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है जहाँ पर राजकुमार ना चाहते हुए भी इनोला को घूर रहा होता है। इस बात से इनोला गुस्सा हो जाती है। फिर राजकुमार कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है। इस पर वो बताती है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ढूंढने के लिए किसी डिटेक्टिव को नहीं बल्कि एक कातिल को भेजा है। हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए मारना चाहता हो, जैसे कि उन्होंने तुम्हारे डैड को मार दिया। ये सुनकर राजकुमार काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे डैड को मारा गया है। क्योंकि मेरे डैड को घर में घुसे चोरों ने मारा था और अगर कोई मुझे मारना ही चाहता है तो भागने से पहले ही मार देता। इस पर इनोला उसे समझाती है कि तुम्हारे जंगल में तुम्हारे ऊपर जो टहनी गिरी थी वो धोखे से नहीं बल्कि उसे काट कर तुम्हारे ऊपर गिराया गया था। तभी इनोला को एहसास हो जाता है कि उस रूम में ऑफिसर लैस ट्रेड भी छुपा हुआ है जो राजकुमार के साथ साथ इनोला को भी ढूंढ रहा है, इसीलिए वो दोनों भागकर एक रूम में छुप जाते हैं। लेकिन इनोला समझ जाती है कि रूम का दरवाजा ज्यादा देर तक ऑफिसर को नहीं रोक पाएगा, इसीलिए वो राजकुमार को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो अकेले वहां से जाने से मना कर देता है। इस पर इनोला उसे समझाती है कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी जिंदगी सिर्फ खराब होगी, लेकिन तुम पकड़े गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इसीलिए मजबूरन राजकुमार खिड़की से कूद जाता है और इनोला को पकड़ लिया जाता है। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। इस दौरान माइक्रोफ्ट उसके पास मौजूद सारे पैसे ले लेता है जिससे वो दोबारा भाग न सके और फिर उसे मिस हैरिसन के हवाले कर देता है। लेकिन वहां पर इनोला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे वो चीजें सिखाई जा रही थी जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इस दौरान हम देखते हैं कि मिस हैरिसन इनोला को उसकी मॉम के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करती है कि उन्हें अपने उसूलों के अलावा किसी की भी परवाह नहीं थी, लेकिन इनोला को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इसके बाद शेरलॉक इनोला से मिलने के लिए पहुंचता है और इनोला उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मॉम के बारे में कोई जानकारी मिली। इस पर शेरलॉक इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये बात कन्फर्म हो गई है कि मॉम दुनिया बदलना चाहती है। हालांकि इस चीज से इनोला भी सहमत थी कि इस दुनिया को बदलने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस दौरान शेरलॉक इनोला से राजकुमार के केस के बारे में पूछता है, जिससे हमें पता चलता है कि शेरलॉक को पता है कि इनोला राजकुमार के घर शेरलॉक बनकर गई थी, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम इस केस को सॉल्व करना चाहती हो तो तुम्हें उस गंदगी में घुसना होगा, तभी तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा। इस दौरान शेरलॉक उससे ये भी कहता है कि मॉम के साथ साथ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जो चाहो वो कर सकती हो क्योंकि तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। ये सुनकर इनोला इमोशनल होकर रोने लगती है। फिर उसके पास माइक्रोफ्ट का एक पार्सल आता है। अब असल में ये माइक्रोफ्ट का पार्सल
असल नहीं था, उसके अंदर राजकुमार होता है जो कि इनोला को वहाँ से निकालने के लिए आया था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर इस चीज में कामयाब हो जाते हैं और मिस हैरिसन बेवकूफ बन जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि माइक्रोफ्ट उसे चाहता है इसीलिए उसने उसके लिए तोहफा भेजा है, और वो ऐसा इसीलिए सोच रही थी क्योंकि वो माइक्रोफ्ट को पसंद करती थी, पर उसका कट जाता है। फिर रास्ते में इनोला राजकुमार को बताती है कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारे अंकल का है, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे डैड के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी के साथ साथ सारी पॉलिटिकल पावर भी तुम्हारे अंकल के पास चली जाएगी। फिर इस बात का खुलासा करने के लिए इनोला राजकुमार के घर पहुंचती है और उसके साथ चुपचाप घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन वहां पर उन्हें लिनथर्न देख लेता है और उन पर गन से अटैक करने लगता है। हालांकि इनोला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिनथर्न उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर राजकुमार भी लिनथर्न का सामना करता है, जिससे वो राजकुमार का गला घोटकर मारने लगता है। जब इनोला ये देखती है तो वो लिनथर्न को घायल करके उससे पूछने की कोशिश करती है कि वो किसके लिए काम करता है, लेकिन कुछ बताने से पहले वो किलर मारा जाता है। तभी वहां पर राजकुमार की दादी पहुंच जाती है जो कहती है कि देश के भविष्य के लिए मुझे ये करना ही होगा, और फिर गन से शूट करके राजकुमार को मार देती है। हालांकि वो इनोला को भी शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो गई होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनोला राजकुमार की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और बुरी तरह से रोने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि राजकुमार अभी जिंदा है। तभी उसके देखते ही देखते उसे होश आ जाता है क्योंकि उसने अंदर से कवच पहन रखा था, इससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर इनोला बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद राजकुमार अपनी दादी से कहता है कि आपका वक्त पूरा हुआ। फिर शेरलॉक ऑफिसर लैस्ट्रेड के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम राजकुमार की दादी को अरेस्ट कर लो, वरना वो राजकुमार को वैसे ही मार देगी जैसे उसने उसके डैड को मारा था, क्योंकि राजकुमार भी अपने डैड की तरह ही औरतों के पक्ष में पारित होने वाले बिल पर अपना वोट देने वाला है। ऑफिसर ये कहता है कि हो सकता है कि राजकुमार के अंकल ने ये सब किया हो, लेकिन शेरलॉक कहता है कि वो राजकुमार के डैड के मरने के दौरान यहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि वो उस वक्त आर्मी में था। फिर ऑफिसर बताता है कि तुम्हारी बहन पहले ही इस केस को सॉल्व कर चुकी है। ये सुनकर शेरलॉक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में इनोला राजकुमार से मिलती है जो वोटिंग के लिए जा रहा था। इस दौरान वो उसे अपने घर में ही रहने के लिए ऑफर करता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है क्योंकि वो आजाद रहना चाहती थी। हालांकि इस बात से राजकुमार काफी दुखी होता है, लेकिन इनोला उसे समझाती है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद इनोला एक न्यूज़पेपर खरीदती है और उसमें उसे अपनी मॉम का सीक्रेट मैसेज मिलता है, जिसमें उन्होंने इनोला को शाम 5 बजे मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन उसे पढ़ने के बाद इनोला समझ जाती है कि वो उसकी मॉम का नहीं बल्कि उसके भाई शेरलॉक का मैसेज है। दूसरी तरफ शेरलॉक और माइक्रोफ्ट इनोला का वेट कर रहे होते हैं। इस दौरान शेरलॉक कहता है कि अगर इनोला यहाँ पर आई तो अब मैं उसका गार्डियन बनूंगा, लेकिन वो नहीं आती, इसीलिए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि इनोला वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो उनसे नहीं मिलती। फिर इनोला अपने घर पहुँचती है और वहाँ पर उसे उसकी मॉम मिलती हैं, जो उसे इस तरह से छोड़ने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहती थी। जैसा कि तुम्हें पता है कि ये दुनिया औरतों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अंत में तुम्हारी हेल्प से वो विल पास हो गया क्योंकि तुमने ही राजकुमार की जान बचाई थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और काफी खुश होती हैं। इसके बाद इनोला की मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे वैसे ही मैसेज भेजकर बुला सकती हो। अब क्योंकि इनोला की मॉम हमेशा से चाहती थी कि वो अपना भविष्य खुद चुने, इसीलिए वो एक डिटेक्टिव बनने का फैसला करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप राजकुमार की दादी के इरादे को ठीक से जान नहीं पाए तो मैं बता दूं कि इस डुकरिया को लगता था कि उसका बेटा औरतों के राइट के लिए वोट देगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इससे सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा खराब हो जाएगी, इसीलिए उसने अपने बेटे को मरवा दिया। अब आता है उसका बेटा, वो भी अपने पिता की तरह ही औरतों के राइट्स के लिए वोट देना चाहता था और डुकरिया ये कतई नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने पोते का पत्ता भी साफ करने की कोशिश करी, जिससे होता यह कि राजकुमार के चाचा को यानी डुकरिया के दूसरे बेटे को उसका पद मिलता और वो अपनी माँ के चलते औरतों के खिलाफ वोट देता। पर इस मिशन इम्पॉसिबल में डुकरिया फेल हो जाती है और बाकी तो हम सब जानते ही हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।